2024 का इलेक्शन जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे सियासी गलियारों में सियासी हलचल बढ़ते जा रहा है और इंडिया व्यू स्पेशल में हम बात करेंगे बिहार से जुड़े हुए मुद्दों पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लालू का सबसे चर्चित समीकरण MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के बारे में और ये भी जानेंगे कि लालू यादव जो है वो मुसलमानों के लिए मजबूती के नेता है या मुसलमान उन्हें मजबूरी में अपना नेता मानते हैं। तो इस वीडियो में पूरे बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप पूरी बात को समझ सकें। मैं हूं आपका दोस्त शोएब और आप देख रहे हैं इंडिया व्यू। 1989 में भारत का सबसे बड़ा दंगा जो कि भागलपुर दंगा हुआ था, उस समय लालू यादव जो है वो मुसलमानों को बोल रहे थे कि जो भी इसके जिम्मेदार है हम उनको सजा देंगे और यादव लोगों को बोल रहे थे, जो यादव में कामाख्या यादव जो कि इस दंगा के आरोपी थे जिनपे 20 से 25 केस था उनको वो बचा भी रहे थे। तो मुसलमानों के भी नेता बन गए और यादव के भी नेता बन गए। उसी टाइम से ये समीकरण चालू हुआ और 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और लगातार 15 साल तक उनका शासन रहा। 2005 तक वो बिहार में उनका शासन रहा और बिहार में जब तक वो 15 साल रहे कितना विकास किया आप सबको मालूम है। अभी के टाइम में जितना देर बिजली कटती है लालू यादव के टाइम में उतना देर बिजली रहती थी। सड़क की बात करें तो आप सड़क देख ही सकते हैं कि उनके जमाने में कैसा सड़क था। खाली वो अपने भाषण में बोलते थे कि अगर हम जीतेंगे तो बिहार का जो रोड है हेमा मालिनी के गाल के तरह बनवा देंगे, लेकिन कभी आज तक वो बनवा नहीं पाए। और बाढ़ का समस्या बिहार में लगातार रहा, जब भी बाढ़ आता था लोगों को बोलते थे कि इतना पारा तो पानी तो हमारा पारा ही पी जाएगा। इस अगर फंड की बात करें तो उस समय 31 सांसदों के साथ बिहार में राजद की तूती बोलती थी और केंद्र सरकार में उनका दबदबा था, तो बहुत सारा फंड आता था लेकिन बिना इस्तेमाल किए वापस चला जाता था। और ना भी विकास करते हुए इस समीकरण के चलते वो बिहार में 15 साल तक सत्ता में रहे और आगे भी सत्ता में रहते, लेकिन वो समीकरण को पूरा करना नहीं चाह रहे थे इसलिए उन्हें सत्ता से जाना पड़ा। जी हाँ, 2005 में जब राम विलास पासवान किंग मेकर बने थे उन्हें अच्छा खासा सीट मिला था, तो राम विलास पासवान ने एक शर्त रखा था कि अगर कोई मुसलमान जो है वो बिहार का CM बनेगा तो वो बेशर्त समर्थन दे देंगे। लेकिन लालू यादव जो है वो अपनी भले सरकार बने या ना बने लेकिन कोई मुसलमान CM ना बने, उस समय उनके पास बहुत अच्छा चांस था वो किसी मुसलमान को CM बना के अपना MY समीकरण की मजबूती दिखा सकते थे। मगर लालू यादव ने ऐसा नहीं किया और बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद बहुत सारे विधायक थे वो लोजपा को छोड़ के JDU में चले गए और 2005 के बाद नीतीश कुमार जो है बिहार के CM बने, तो आज तक CM ही है। भले वो पार्टी चेंज गठबंधन चेंज करते रहे लेकिन कुर्सी पर आज तक बैठे हुए हैं। बहुत ऐसा टाइम आया जब लालू यादव थे तो जब भी उनसे अगर मुसलमान अपने विकास की बात करते थे रोजगार की बात करते थे तो वो हमेशा कहते थे कि तुम लोगों का जान भी बचाए और तुम लोगों को रोजगार भी दे। तो उनका कहने का सीधा मतलब था वो इस बात को समझ चुके थे कि बिहार में मुसलमानों को रोजगार शिक्षा ये सब दो या ना दो, बस उनको BJP का डर दिखाते रहो कि BJP आएगा तो आपके लिए ये नुकसान करेगा, BJP आ जाएगा बिहार में तो आपको बहुत तकलीफ होगा, बस उनका डर दिखा के वोट लेते रहे। अगर लोगों को भी लालू यादव ने कोई बड़ा नेता बना के दिया नहीं है, दो तीन बड़े नेता हुए थे पप्पू यादव रंजन यादव राम कृपाल यादव आपको याद ही होंगे, अपने बेटी को टिकट देने के लिए उनका टिकट काट दिया था। और अगर हम बात करते हैं पप्पू यादव और रवि रंजन यादव, इन लोगों ने राजद से बगावत कर लिया था फिर भी लालू यादव को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो उनको पता था कि मुसलमानों की कमजोरी क्या है और यादव लोगों को चाहिए क्या। यादव लोगों को लगता है कि हमारा हम यादव हैं तो हमारे CM है, और मुसलमानों को लगता था कि लालू हमारे मसीहा हैं। इसी का फायदा उठाकर लालू लगातार अपने सियासत में आगे बढ़ते रहे, लेकिन आगे चल के मुसलमानों ने नीतीश कुमार पे भी भरोसा दिखाया और JDU जब आई बिहार में आई तो काफी ज्यादा सीट लेके आई, और लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन होने के कारण मुसलमान जो है उनसे किनारा कर लिए। तो अगर मुसलमानों के लिए बात करें तो मुसलमानों के लिए सिर्फ उनको सुरक्षा के अलावा लालू यादव ने कुछ भी नहीं किया है। और अगर यादव की भी बात करें तो यादव में सिर्फ एक ही परिवार है लालू यादव का परिवार, जितना भी नेता निकले हैं या अगर मुख्यमंत्री बाजी की भी बारी आई तो लालू यादव जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने अपने पत्नी को CM बनाया,
उस समय उनके पप्पू यादव, रवि रंजन, राम कृपाल यादव जैसे यादव नेता भी थे, लेकिन लालू यादव ने अपने परिवार के अलावा किसी और को सीएम नहीं बनाया। आज बिहार में जो है जातीय जनगणना हुआ है तो मुसलमान अल्पसंख्यक में मुसलमान और हिंदू में जो है यादव है उनकी आबादी ज्यादा है, और जो नए नए लड़के हैं यादव में मुसलमान में हमारी आबादी सबसे ज्यादा है, हम शासन करेंगे। भैया ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, शासन एक ही परिवार करेगा जब तक कि आप समझेंगे नहीं। आपको अगर शासन करना है तो आपको खुद अपने नेता चुनना पड़ेगा या आपको नेता बनना पड़ेगा। अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव भी जब बिहार के पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भी अगर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तो उन्होंने जेडीयू ने उनसे गठबंधन तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने सीएम का पोस्ट नहीं छोड़ा। उस समय भी लालू यादव के पास अवसर था, किसी और को सीएम बना सकते थे। लेकिन तेजस्वी यादव की बात करें तो दूसरी बार अभी 2019 के इलेक्शन में वो बहुत ही अच्छी तरह से आए और उन्होंने बिहार में पहली बार रोजगारी के मुद्दा पे इलेक्शन लड़ा और जनता ने उनका समर्थन दिया। भले उस समय सरकार ना बन पाई हो, कुछ सीटें कम रह गई, लेकिन बिहार को एक नया मुद्दा दे दिया है रोजगार का। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी तेजस्वी यादव जो है इन जात पात की राजनीति को छोड़ के, ये समीकरण का चक्कर छोड़ के बिहार के बारे में सोचेंगे और बिहार के लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो 2024 का भी पार्टी के चक्कर में ना पड़े कि लालू यादव हैं तो ये सेकुलर हैं, हमारी रक्षा करेंगे। जहां पे राजद की सरकार नहीं है, जेडीयू की सरकार नहीं है, क्या वहां पे मुसलमान सुरक्षित नहीं है? कब तक आखिर मुसलमान जो है सुरक्षा के चलते अपना वोट किसी को भी देते रहेंगे? तो अब टाइम आ गया है सोचने का अपने बारे में, अपने नेता बनाने के बारे में और एक नया समीकरण निकालने के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। इंडिया व्यू के इस विशेष एपिसोड में इसी तरह के वीडियो लगातार आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट में अपना विचार जरूर